की शोभा यात्रा से पहले की पूजा अर्चना। पुरानी सब्जी मंडी स्थित शिवाला मस्तनाथ मंदिर में श्री सनातन धर्म मंदिर शिवाला मस्तनाथ कमेटी द्वारा भगवान वामन द्वादशी बनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पहुंचे। श्री भगवान गोयल व उनकी पत्नी कमलेश गोयल ने मुख्य यजमान के रूप में पूजा अर्चना करवाई व शाम की पूजा अर्चना में डॉक्टर एस एन गुप्ता मुख्य यजमान के रूप में पहुंचे। कोरोना संक्रमण के चलते वामन द्वादशी भव्य समारोह को छोटा कर मनाया गया। सांसद जांगड़ा ने कहा कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पांचवें अवतार के रूप में भगवान वामन की पूजा करते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन होने पर जीवन को एक सार्थक दिशा मिलती है। इस उत्सव को पिछले कई सौ वर्षों से मना रहे हैं। ईश्वर जिनको बोलते हैं गीता में, भगवान श्री कृष्ण की पूजा थी मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न देवता भारत के इतिहास में माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन चरित्र के माध्यम से तमाम संसार को बहुत सी रचनात्मक और आध्यात्मिक शिक्षाएं दी हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ अद्भुत और कर्म से लेकर सब कुछ अद्भुत रहा है। नेता आए थे, उन्होंने पॉजिटिव मिले हैं, उसको लेकर क्या कहा? कोई नहीं, नेगेटिव भी हो जाते हैं। जैसे ही आदमी की अपनी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी बढ़ती है तो नेगेटिविटी भी जल्दी आ जाती है। तो पॉजिटिव आए हैं बहुत जल्दी और नेगेटिव भी हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कोरोना कोई ऐसी वैश्विक महामारी नहीं है जिसके कारण बहुत ज़्यादा मृत्यु दर हो। मृत्यु दर नाम मात्र की 2 या 3% है, और वो भी वो लोग मृत्यु का शिकार होते हैं जो पहले से या तो डायबिटिक हैं या कैंसर पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं। आम तौर पर जिस किसी को हो जाता है तो उसको पता भी नहीं चलता। कई बार लोगों को जब चेक करते हैं उसके अंदर एंटीबॉडीज मिलती हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि कभी उसको कोरोना हुआ था और वो ठीक भी हो गया। लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए और सात्विक जीवन जीते हुए ठंडा पीने से बचें, ठंडा खाने से बचें, जंक फूड खाने से बचें, प्राकृतिक आहार लें, तो हम अपने जीवन को सामान्य जीवन के रूप में जी के कोरोना से दूर रह सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया है, गठबंधन की सरकार है, ठगबंधन की सरकार। बात यह है, विपक्ष का काम ही कुछ ना कुछ बयान देने का है और वो अपना काम करता रहे, उसमें हमने क्या टिप्पणी करनी है। कैग की रिपोर्ट आई है, लगातार हरियाणा प्रदेश में कर्ज बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कर्ज बढ़, हरियाणा सरकार जो है कर्ज में डूबती जा रही है। ऐसा कोई मामला नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी जो स्थिति बिजली की कंपनियों की छोड़ के गए थे, उन तमाम स्थितियों से उभारा है हमारी सरकार ने और उसको कर्जे से बाहर निकाला है। और आज हरियाणा में विकास हर कार्य गति से चल रहा है और पूरे प्रदेश में समान विकास हो रहा है। सरकार को किन्हीं किन्हीं कारणों से कर्जा भी लेना पड़ जाता है और वो चुकता भी होता रहता है। अभी GST की कुछ कमी आई कोरोना के कारण, जल्दी ही जैसे ही सामान्य स्थिति आएंगी तो फिर कर की मात्रा बढ़ जाएगी तो स्थिति में सुधार आ जाएगा। ये सामान्य प्रक्रिया है।